भारतीय जनता युवा मोर्चा की सोलन इकाई ने भाजपा कार्यालय में अपनी बैठक का आयोजन किया और आने वाले चुनावों की जीत की रणनीति बनाई। ये बैठक भाजयुमो जिला अध्यक्ष भरत साहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपस्थित युवाओं को, विशेष रूप से उपस्थित खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने युवाओं को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, ताकि वे बूथ स्तर पर जाकर मतदाताओं को योजनाओं की जानकारी दे सकें। उन्होंने भाजपा की विचारधारा से लोगों से जुड़ने का आग्रह भी किया। इस मौके पर उपस्थित युवाओं से विचार विमर्श भी किया गया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष भरत साहनी ने कहा कि भाजपा की मुहिम वन बूथ 20 यूथ को सफल बनाने के लिए योजनाओं को चार्ज किया गया है। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, इस बारे में भी जानकारी दी गई। भरत साहनी ने कहा कि उपस्थित युवाओं से विचार विमर्श कर आने वाले चुनावों में जीत हासिल करने के लिए आवश्यक रणनीति भी बनाई गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। हमारे आगामी 2019 के चुनावों को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई एवं प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं सतपाल सिंह सत्ती जी एवं हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई विशाल चौहान जी के निर्देशानुसार पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला अनुसार ये बैठकें हो रही हैं। उसी कड़ी में हमने आज सोलन में बैठक रखी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारा आने वाला वन बूथ 20 यूथ जो हमारा महाअभियान है उसको पूर्ण करना, उसके अलावा संगठन द्वारा दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हमारे कार्यक्रम जो हैं उनको पूर्ण रूप से हमने करना और एक बार पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे सोलन जिला की कार्यकारिणी की टीम इस पर लगेगी। इसी उद्देश्य से लेकर आके जिला की बैठक रखी गई थी।